सीन है कुछ ऐसा, मैंने ना आज स्विमिंग की वीडियो बनानी जानी थी पर बारिश होने लग गई तो वो कैंसिल कर दिया मैंने। अभी मैंने क्या किया, बाइक कर दी बारिश में खड़ी ताकि धुल जाए अच्छे से, ठीक है। तो मैंने चलो ब्लॉगिंग शूट कर लेते हैं, टाइम से रहती है। अभी मीनस आया, वो मीनस खड़ी कर रहा है, ठीक है। ये मीनस की बाइक खड़ी है ये मेरी, ठीक है। तो अभी बारिश हो रही है तो सल्ले से बारिश दिखाऊँ कुछ ऐसे, ठीक है। ये मेरी बाइक है, ठीक है, जो बारिश में धुल रही है, ठीक है। मनुष्य की स्कूटरी और बारिश में बच्चे कर रहे हैं मस्ती, देखो। इसलिए को लगा वीडियो बन गया मस्ती के लिए। बारिश में कभी आप ऐसे नहाए हो? ये उनका फुल बंदा है। छोटे बच्चे बड़ी मस्ती करते हैं बारिश में, ऐसा कैसे चलती रहती है, भाग्य वो देख के वीडियो चल रही है भाग्य हो। बारिश में जब हम छोटे थे हम देखते रहते, अभी भी कभी कभी नहा लेते हैं, ऐसी बात नहीं, आपको पता है। बस अब थोड़ा सीन चेंज हो गया है कि अब जब बारिश में जाना होता है तो बाइक पर बैठ के चले जाते हैं हम, बाइक में कुछ खाने पीने चले जाते हैं। तब क्या होता था, बस बारिश में ऐसे लेट के, मैंने ज़्यादा किया गया बारिश में, हमने सबसे ज़्यादा बारिश में फुटबॉल खेला है, हमें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो सरकारी स्कूल में सीन क्या होता है, जब बारिश हो जाती तो पुराने स्कूल था, कई बार दरवाजे में से आने लग जाती बारिश, मतलब कि कई बार खिड़कियों में, कई बार छत टिप टिप करने लग जाती थी, और बोर्ड के नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो क्या होता था कि जैसे ही बारिश आती थी क्लास ख़त्म हो जाती थी हमारी, हम चले जाते ग्राउंड में खेलते थे फुटबॉल। मतलब कि 22 प्लेयर एक एक साइड में हो जाते थे, मतलब कि डबल टीम खेलती थी, इतने ज़्यादा प्लेयर हो जाते थे। और कितना मज़ा आता था ना, कितने जहर मज़ा आता था, बहुत फुटबॉल खेला मैंने। फुटबॉल मेरी फेवरेट गेम है, सबसे फेवरेट गेम मेरी फुटबॉल है, मैं बहुत लाइक करता हूँ फुटबॉल को। तो फुटबॉल के चक्कर में ना मेरी बाजू टूट गई थी, यहाँ से ये बाजू टूट गई थी, ठीक है ना। तो मेरे फुटबॉल लगा था, बाजू टूट गई थी। तो बहुत मैं बारिश में सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेलता हूँ। आप क्या खेले हो बारिश में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कि आपने सबसे ज़्यादा बारिश इन्जॉय किया, बारिश आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ब्लॉग चल रहा है, चल रहे तो जैसे चल रहे। एग बिरयानी अभी है, मनीष है, मैं हूँ, और चौकड़ी अमित, जो पिछली बार बारिश में था। आज संडे ब्लॉग बन रहा है, ठीक है। अभी बारिश हो रही थी, आज बारिश फिर बंद होगी, 3 दिन बारिश संडे लगातार चल रही है। और अभी मैंने वीडियो बनाने जाना था स्विमिंग की, वो नहीं बना पाया। और मैंने 5 साल कुकिंग का काम किया है और कटिंग मुझे आती है। अब थोड़ा एक दो बार मेरी उंगली कट गई थी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई ना कटिंग की काफ़ी, तो अब थोड़ा धीरे करता हूँ, नहीं तो मैं आंखें बंद करके ऐसे करता हूँ, काट सकता हूँ। अभी भी मेरे के है, प्रैक्टिस कम है बस। तो चलो फॉरवर्ड में आपने देख ही लिया होगा, देख लिया जब आदमी है। तो अब मैं लाइव जा रहा हूँ, तो लाइव के बाद फिर ब्लॉग शूट करेंगे। अभी तो मैंने लाइव जाना, फोटो खींचने आया था, मेरा होने वाला मैनेजर मनीष, इसको टी शर्ट पा रखे अपना, देखो मतलब ब्रांड अपना पूरा प्रमोट करना है अपना, मतलब टेक्निकल लवली मनी स्विमिंग हुआ मनी, ठीक है, अमित, और मैं अभी अंडा बिरयानी बना रहा हूँ। अभी आप लाइव पता ही लग गया टेक्निकल मनी। तो अभी मैं लाइव नहीं गया, तो ये मनीष और ये अमित आप जानते हो। तो चलो अभी मैं ब्रांड लाइव जा रही, एग बिरयानी की पूरी तैयारी चल रही है और एग बिरयानी ब्लॉग में। तो ये अभी मैंने सारा कुछ करा दिया है, कटिंग मैंने आपको दिखा दी होगी या देखनी है तुमने, मुझे नहीं पता। अभी मैंने अंडे छिल लिए, ठीक है, तो अंडे छिलूंगा, अंडे छिल इस पे पक जाते हैं। फिलहाल सीन क्या है, एग बिरयानी में 2-3 तरह की एग बिरयानी बनती है, मतलब कि केक क्या करते हैं, पूरे एग और चावल गोल कर लेते हैं, और थोड़ा पड़ेगा चावल गोल कर लेते हैं वो, एक मिनट टूटी हुई से पानी ज़्यादा वेस्ट करना, तो चावल धो लेते हैं, ठीक है। चावल धोने के बाद क्या होता है कि जो चावल को उबाल के रख लेते हैं, हाफ फ्राई कर लेते हैं चावलों को, फिर उनको तड़का लगा देते हैं, फिर उसमें एग डाल देते हैं, काढ़ा के डाल देते हैं, बस ऐसे डाल देते हैं। पर मेरा सीन क्या है, एग को ऐसे छिल लेना, छिल के बाद इसको तेल में फ्राई कर लेना, उसके बाद जब चावल लगभग सारे बन जाएंगे, थोड़े से रह देंगे, तो उसमें हमने क्या कहते हैं वो कर देना है, अंडे डाल देते हैं,
जो हमने फ्राई की होगी, ठीक है ना। बाकी एक और मैं आपको पूरी रेसिपी आज एग बिरयानी लिखी जाएगी ब्लॉगिंग में विद एग बिरयानी, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। अभी मैंने ना इसमें गैस चला दिया है, इसको गर्म कर रहा हूँ। अभी करना क्या है, अंडे फ्राई करने हैं, हमने अंडे फ्राई करने हैं। अंडे फ्राई करने में करना क्या है, कुछ नहीं करना। हमने सरसों का तेल लेना है, ठीक है, इसमें डाल देना है और तेल को गर्म होने देना है, ठीक है जी। हम डाल दिए सरसों का तेल, चल 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 चल, तवा तवा तवा, बस। अभी ये सरसों का तेल गर्म होगा, ठीक है। हम बरत रहे हैं, मैं जो फिलहाल जी तेल यूज़ कर रहा हूँ वो ये देख रहे हो, डाबर ओरिजिनल ओला सरसों का तेल, ठीक है। तो अभी क्या करने हैं, ये अंडे हैं, ये आप एग बॉइल कर रखे हैं, मैंने पूरे बॉइल कर रखे हैं। तो अब क्या करना है, इनको जब तेल गर्म कर लीजिएगा, इनमें फर्स्ट फ्राई करने हैं। तो अब देखो फॉरवर्ड में, अंडे सारे भून लिए हैं, सीने कुछ ऐसा अंडे सारे भून लिए। अब हम प्याज डालेंगे इसमें, प्याज डाल के पता लगाएंगे सीधा। चलो देखो, अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज डालेंगे, चर होगी गैस कर लेंगे कम, सर होगी रहने पड़ा उसको मच्छे मैं क्या कर रहा था, चिकन बिरयानी तो बनती रही। रेसिपी मैं फिलहाल आपको ऐसे बता रही हूँ, रेसिपी क्या करना है, आपने प्याज टमाटर अदरक जो आपने डालना है वो ले आओ, ठीक है। और अंडे को आप अगर ऐसे कर लोगे तो खाते समय बड़ा टेस्ट आएगा, काट के मत डालना। काट के डालोगे तो क्या होता है, जो पीला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और मेल्ट हो जाता है बीच में, वो चीज़ मेल्ट हो जाती है। आपने पूरा रखना है, अगर घर में सात जने हैं तो दो दो अंडे के हिसाब से रख लेना कि हाँ भाई किसने कितने कितने अंडे बिरयानी में देने हैं। तो अभी हम तीन जने हैं तो मैंने इसको सात अंडे वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने दो ही खाने हैं, बाकी अमित तीन खाएगा और अवनीश भी दो खाएगा या तीन खाएगा, मुझे बैठ नहीं पता, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप अंडे डाल लेना, ठीक है। बाकी एक ये चिकन मसाला आता है ये डाल लेना, इसका टेस्ट अच्छा होता है। यहाँ पर हमने तीन चीज़ें डालनी है, एक किचन किंग डालना है, धनिया पाउडर डालना है, नमक डालना है और हल्दी डालनी है, जो नॉर्मल मसाले डालते हैं वो तो डालने हैं। और खड़ा खड़ा मसाला कोई भी नहीं डाल रहा हूँ मैं, मुझे खड़े मसाले पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे काली मिर्च होगी, पूरा पत्ता, कौन सा कड़ी पत्ता हो गया, नहीं कड़ी पत्ता नहीं, कौन सा उसको पत्ता कहते हैं, पता नहीं कौन सा पत्ता हो गया, वो हो गया। अभी मैं प्याज को लाइक कर रहा हूँ। टमाटर हो गए, टमाटर अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में डालोगे तो वो एक अलग ही टेस्ट आएगा। हालाँकि मेरे टमाटर थोड़े कम हैं तो कुछ नहीं, एक टमाटर और काट लेता मैं सोच रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। अभी दो टमाटर, अभी क्वांटिटी अच्छी है और हम तीन जने खाने वाले हैं। तो बस आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। तो बिरयानी बनने के बाद खाते हुए की वीडियो दिखाएंगे, फिर मैं वीडियो के साथ एंड कर दूंगा। ब्लॉगिंग मतलब कि संडे वाले दिन हमारा खाना पीना चलता है, ऐश भी चलती है, इसी से आज आज ब्लॉगिंग के चक्कर में ना मैंने लाइव भी जल्दी बंद कर दिया, टेक्निकल लगे मनी चैनल पर। तो बस हरी मिर्च यहाँ डाल देना, मेरे पास हरी मिर्च है, मैं कम डालो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। तो मैं जो नमक यूज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सादा सादा नमक, सादा सादा नहीं सेंधा नमक यूज़ कर रहा हूँ मैं। और सेंधा नमक अच्छा होता है नॉर्मल नमक से, नॉर्मल नमक में पॉलिश होती है, उसमें डला होता है, मिलावट होती है, ठीक है ना। तो जो सेंधा नमक होता है वो सिर्फ पत्थर ही होता है, मतलब कि वो अलग होता है, उसको पीसा होता है, वो सिस्टम ही अलग होता है, वो नुकसानदायक होते ही नहीं। सबसे बेस्ट नमक कौन सा है, अगर आप फ्रूट चाट या किसी को ऊपर खाते हो, पत्थर का नमक लेके आओ, उसको घर में पीसो, सबसे बेस्ट नमक है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। जैसे पहाड़ है पहाड़ है नमक का, उसको तोड़ा और ऐसे ही आ गया घर में, कोई मिलावट नहीं है, सबसे जेन्युइन नमक होता है। मेरे पास वो भी पड़ा है, मैं लेके आया। और अपनी हेल्थ, कोरोना के चक्कर में अपनी हेल्थ पूरी पूरी रखो, अगर हम सही हेल्थ रखो, हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। अपनी एक्सरसाइज रखो, अपनी अगर एक्सरसाइज नहीं करना तो कोई भी एक गेम कर लो, फुटबॉल कर लो, कोई भी एक गेम कर लो, फुटबॉल कर लो, जैसे कोई भी मतलब कि जो दिल आता है फुटबॉल कर लो, ठीक है ना। फुटबॉल सबसे बेस्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें पैर लगे ना लगे पर रनिंग आपकी हो जाती है, स्प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो रात को मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ, जब रात को फुटबॉल खेलता हूँ तो 10 बज जाते हैं,
मेरी बॉडी पूरी टूट चुकी होती है, मैं दुकान पे बैठा होता हूँ, काम करता हूँ दुकान पे, तो हो जाता है। तो बस लोग लंबा नहीं करना। और ये चने मैं हमेशा भिगो के रखता हूँ, ये चने अगर बच्चों को देने हैं उबाल के देना, अगर आपने खाने हैं तो जैसे ऐसे थोड़ी सी ले ली आपने, थोड़ा थोड़ा खा लिए। ये कंजर मुझे पीछे से देख रहा है, अच्छा फोन देख रहा है ये, ठीक है ऐसे थोड़े थोड़े खा लिए। नींबू पानी पी लिया, मुझे ग्लास ले दो, मैंने भी नींबू पानी पीना है। बीच बीच में आप नींबू पानी भी पी सकते हो। नींबू पानी बनाने का सबसे आसान तरीका है, एक गिलास लो, उसमें एक नींबू निचोड़ो, उसमें डेढ़ चम्मच ये वाला डेढ़ चम्मच डालो चीनी का और चौथा हिस्सा नमक का, तो आपका नींबू पानी बन जाएगा। ये ग्लूकोज का काम करता है। गर्मी में आपको पूरे दिन में अगर ज़्यादा नहीं तो एक या दो बार नींबू पानी पीना चाहिए, इससे होगा क्या, बहुत अच्छा स्वभाव है। अगर पहले मैं मिर्च डाल दूँ, मैंने मिर्च डाल दी है, इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में पानी होल्ड हो जाएगा और ग्लूकोज की कमी दूर करता है और विटामिन सी मिल जाता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना है, ऐसे चने खाने से हाथ जूठे होते हैं क्या? ऐसे मुझे हवा से ऐसे फॉर मिनट में निकालते हैं और दिखाते हैं आपको अपनी रेसिपी। अंडा बिरयानी अभी पकने में टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट, तो फिर उसमें अंडे डालेंगे। फिलहाल आपको रेसिपी सारा पता लग गया, क्या क्या डाला मैंने, क्या क्या नहीं डाला। गरम मसाला, पुदीने का, धनिया का, पता नहीं जो भी डाला मैंने डाल दिया, बस वह वेट करो बनने का। बिरयानी अपनी मन की है, मैंने अंडे डाल, तो बिरयानी में अंडे डाल दिए बस ऐसे ऐसे में, जब ऐसे ऐसे इतना पानी रह जाए तो आपने डाल देने। चावल देख सकते हो आधे से ज़्यादा पक चुके हैं, ठीक है। अभी ये मैं खुला ही रखूँगा, अगर मैंने बंद कर दिया तो ये पानी नहीं सूखेगा और ये पक जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है। जो मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला था वो कलर के लिए डाला था, अब बिरयानी लग रही है जहर, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। एग बिरयानी सिंपल, तो मनीष का काफ़ी खाने का मन कर था तो मैंने एग बिरयानी बनाई है। लग तो नहीं काफ़ी टेस्टी बनी है, पर अब खा के देखेंगे क्या क्या तेज है इसमें, क्या क्या कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने खाने के लिए जिसने खाने है। पर जहाँ तक मुझे पता है मेरा जो डालने का हिसाब है वो काफ़ी हद तक सही होता है। तो सीन है कुछ ऐसा, अब होएगा बिरयानी। डू लिटल मूवी चल गई है, अब हम कर डालेंगे बिरयानी। छोटी प्लेट मेरी, बड़ी जिसने लेनी ले लो, और ये थाली जिसने लेनी ले लो। ये मेरी है, मेरी है, मेरी फिक्स मेरी, ना 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 ना, ना, ना। ये मेरी। तो बिरयानी एक बार चेक कर सकते हो, डू लिटल अगर आपने नहीं देखी देख सकते हो। बिरयानी ये कुछ ऐसी बनी है, ठीक है। तो ये चलो स्टार्ट करें, फॉर बन दो। फ्रेंड्स फाइनली हमने बिरयानी खा ली है, बहुत आपको अच्छा लगा हुआ। तो अभी डू लिटल पिक्चर चल रही है, आज के लिए इतना ब्लॉग काफ़ी है। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हुआ, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। बस आज की ब्लॉग में बिरयानी, 3-4 मिनट का ब्लॉग, काफ़ी अच्छा लगा।